बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेक्चर भी ले रहे होंगे, टेस्ट भी दे रहे होंगे। अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बनेगा हमारा नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स में से चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर ऑनलाइन 7। ठीक है जी बच्चों, चैप्टर नंबर 15 पे आज हम पहुंच गए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 15 का जो लिंक बनेगा ना जी, जिसको आपने ज़हन में रखना है, वो बनेगा लेक्चर नंबर 4 का और 6 का और 5 का, यानी कि चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, इन तीनों का लिंक बनेगा। चैप्टर 13 में बात शुरू हो गई थी कि वर्ल्ड वार की, जंग की, उसके अंदर ब्रॉडफील्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। हमने देखा था कि उसने अपने प्लेइंग फील्ड भी दे दिया आर्मी वालों को कैंप के लिए, और अपने बच्चे जो मैच्योर बच्चे हैं और जो यंग टीचर हैं वो भी आर्मी में भर्ती करवा दिए, जिनकी डेथ भी हो रही है, और उनको हर संडे प्रिंसिपल जो होता है वो चैपल टाइम के दौरान चर्च के अंदर उनके नाम भी पढ़े जाते हैं और उनके लिए दुआ भी की जाती है। आज का जो चैप्टर 15 है वो डायरेक्ट हमें सीन बताएगा, वो जंग का सीन बताएगा, और वो जंग कब हुई है कि वो जंग हुई है 1918 में, यानी कि 1918 में, वर्ल्ड वार की बात हो रही है जी, 1918 की वर्ल्ड वार की बात। उसमें हमने देखना है जनाब कि जंग जब हुई है तो उसका ब्रॉडफील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, चीफ के ऊपर क्या इफेक्ट था, बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारे इफेक्ट हमने देखने हैं। और ये जंग की एंडिंग क्या हुई, इख्तिताम कैसे हुआ, क्या ये जंग बंद हुई, क्या ये जंग मौलिक साबित हुई इंग्लैंड के लिए, ये सारी चीजें आज हमने देखनी है। क्योंकि इस वक्त जो है चीफ सिंह एक्टिंग हेड है और सारी जिम्मेदारियां चीफ सिंह निभा रहा था। बात करेंगे जी आज हम वर्ल्ड वॉर 1918 की। पहला जो टॉपिक हमारा बनेगा वो बनेगा मेन टॉपिक्स में कि व्हाई डिड शी टेक क्लास ऑन द बॉडी और द बिहेवियर ऑफ द बॉयज, कि जंग हो रही है जनाब लेकिन चीफ से भी अपनी क्लास को कंटिन्यू करवा रहा है, लातिनी की क्लास है, चौथी क्लास यानी कि फोर्थ फॉर्म को पढ़ा रहा है देखो, और पढ़ा रहा है कि वो बेसमेंट के अंदर जो सबसे नीचे वाला सेफ रूम है वहां वो पढ़ा रहा है जी। चीफ ने जब क्लास स्टार्ट की है, चीफ का क्लास लेने का मकसद ये था कि बच्चों को जंग की सोच से दूर रखा जाए, उनकी जहनीत के ऊपर, उनकी साइकी के ऊपर, उनके दिमागों में, दिलों में जंग का खौफ पैदा ना हो, बल्कि उन्हें किसी और तरफ रागब कर दिया जाए, उनकी अटेंशन जो है उसको जंग से हटाकर स्टडीज की तरफ लगाई जाए। लेकिन चीफ ने देखा जी कि क्लास क्यों ली, मैंने आपको बता दिया कि व्हाई डिड चीफ टेक क्लास, और बिहेवियर ऑफ द बॉयज क्या है जी, बच्चों का क्या बिहेवियर है, क्या वो संजीदा के वाकई क्लास ले रहे हैं, क्या चीफ अपने मकसद में कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा जो चीफ चाह रहा था। उसमें बात ये कि बच्चे सारे घबराए हुए हैं, चीफ की बात पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर गोला बारूद की आवाज भी आ रही है, बंदूकों के चलने की आवाज भी आ रही है, आर्मी वालों का शोर भी आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का ध्यान बिल्कुल भी चीफ के लेक्चर पर नहीं है। तो बिहेवियर क्या है बच्चों का, बच्चे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे। अब चीफ का काम है जब चीफ ने उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, चीफ ने उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना है किस तरफ, अपने लेक्चर की तरफ और अपनी बातों की तरफ। अगला मेन टॉपिक बनेगा जी कि हाउ डिड चीफ मोटिवेट, चीफ ने मोटिवेट कैसे किया बच्चों को, और उसने स्टिंग मर्चेंट के बारे में बात की, और तीसरा वर्ड आएगा जी मिनार्ड नाम एक लड़का होगा, कितना चीफ ने बच्चों के अंदर जज्बा पैदा किया। सबसे पहले चीफ ने बच्चों को मोटिवेट किया, उसने कहा जनाब कि अगर हमारी किस्मत में मर जाना है और इसी जंग में मरना है तो कोई चीज भी हमें उससे बचा नहीं सकती, ना स्कूल की बिल्डिंग, ना आपके घर, और ना ही कोई भी शेल्टर, कोई भी ऐसी पनाह आपको बचा नहीं सकती, अगर हमारे मुकद्दर में मरना लिखा है तो हम मरेंगे। लेकिन उसे कह दी कि हमें मरते मरते कोई पॉजिटिव काम करते दुनिया से जाना चाहिए, और पढ़ने और पढ़ाने से ज्यादा पॉजिटिव काम दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने कहा इसीलिए आप अगर दुनिया से चले भी जाएंगे, अगर हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ तो हमने दुनिया से जाना ही है, लेकिन कोई अच्छा काम करते हुए जाएंगे। पहली मोटिवेशन उसने बच्चों को ये दी ना। अगली बात होगी जनाब कि चीफ ने दूसरी तरफ उन्हें मोटिवेट कैसे किया, उसने कहा जनाब कि ये एक साजिश होती है, जंग एक छेड़खानी होती है, एक प्रॉब्लम होती है उन लोगों की जो बदबू का कारोबार करते हैं, स्टिंग मर्चेंट से मुराद है बदबू का कारोबार करने वाले। अब चीफ ने ये स्टिंग मर्चेंट किसको कहा है, चीफ ने ये स्टिंग मर्चेंट कहा है जी साइंटिस्ट लोगों को, जो अपने लेबोरेटरीज के अंदर ये वेपन्स बनाते हैं, ये डेडली वेपन्स बनाते हैं जो जंग के अंदर इस्तेमाल होता है। चीफ कहते हैं कि वो अपनी मोनोपोली से जगह करवाते हैं ताकि उनके हथियार बिक सके, ठीक है जी, इसलिए उन्हें कहा गया स्टिंग मर्चेंट्स, किनको, साइंटिस्ट जो अपनी लेबोरेटरीज के अंदर ये सारी चीजें तैयार करते हैं।
उसके बाद चीफ ने बच्चों के जज्बे को बुलंद करने के लिए क्लास में कहा कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस हालत में भी खड़ा होकर ये लाइन मुझे पढ़ के ऊंची आवाज में सिखाए, सुनाए। अब चीफ ने इसके पीछे मोटिव किया था कि जब वो ऊंची आवाज में पढ़ेगा तो बच्चों का ध्यान उसकी आवाज की तरफ चला जाएगा। अब एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम मीनार्ड है, क्या नाम है जी उसका? मीनार्ड। मीनार्ड वैसे एक्चुअली आम रूटीन में एक बड़ा बदतमीज और बड़ा रूड और बड़ा हट्टा कट्टा मोटा तारा किस्म का लड़का है जो हमेशा ढूंढ रहता है, लेकिन आज उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा अगर आप हाथ खड़ा, उसने कहा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उसकी आवाज बड़ी बुलंद थी और बड़ा नडर था। उसने खड़े होकर जब ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया तो बच्चों की अटेंशन उसकी तरफ जाना शुरू हो गई, यानी जिसने बच्चों की जो मोटिवेशन थी उसको अराउज कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो चीफ ने तीन तरीकों से बच्चों को मोटिवेट किया। पहले उसने कहा कि अगर मुकद्दर में मरना है तो हमें जाते जाते कुछ अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा उसने बताया ना कि ये स्टिंग मर्चेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो अपनी लेबोरेटरीज के अंदर ये डेडली वेपन्स बनाते हैं। और तीसरी बात उसने तरीका अपनाया कि मीनार्ड नामी एक बच्चे को पढ़ने के लिए करा दिया। ठीक है जी, अब हम देखेंगे जनाब अगला पॉइंट बनेगा कि जब वही जंग हो रही है और चीफ अंदर बच्चों को पढ़ा रहा है तो ब्रोकफील्ड की बिल्डिंग पर इसके क्या असर होते हैं। जनाब जब भी कोई गोला या बारूद का बम आकर गिरता है तो पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है और बच्चे मजीद खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन चीफ ने स्टे कर रखा है अपनी उस बेसमेंट के अंदर जो सबसे महफूज जगह, चीफ इसीलिए डगआउट की तरफ नहीं भागा जनाब, हिफाजती जगह की तरफ नहीं भागा बच्चों को लेके, क्योंकि चीफ जानता था कि ये बेसमेंट बिल्डिंग का सबसे मजबूत तरीन हिस्सा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चीफ बच्चों को लेकर कहीं नहीं गया, बेसमेंट में ही रहा। लेकिन बाहर की इमारत हिल रही है जी, बम गिर रहे हैं और इवन के एट द एंड पता चलेगा कि 5 बम ब्रोकफील्ड की बिल्डिंग के अंदर भी गिरे थे। उसके बाद आप अगला बात करेंगे जी हम कि ये जंग किस तरह एंड हुई, कब एंड हुई। ये जंग एंड हुई है जी 1918-11 नवंबर को, और जब ये जंग बंद हुई तो सेलिब्रेशंस की गई, खुशियां मनाई गई। ठीक है जी, खुशियां कैसे मनाई गई? ऑर्डर किया गया ब्रोकफील्ड के खानसामों को, कुक को, कि जनाब आज बहुत सा खाना बनाया जाए मेस के अंदर और सबको वहां इकट्ठा किया जाए। सब लोग वहां इकट्ठे हुए, गाने गाए गए, खुशियां मनाई गई, खानों के मुकाबले किए गए और बड़ा एंजॉयमेंट किया गया इस जंग की एंडिंग पे, क्योंकि इंग्लैंड ने ये जंग जीती थी और बड़ी पोजिशन अच्छी उसकी इस जंग में थी। उसके बाद जनाब सब लोग खुशियां मना रहे थे, चीफ इंटर हुआ तो सब लोग चुप हो गए। चीफ को वेलकम कैसे किया, सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया और चीफ के लिए खड़े होकर सबने तालियां बजाना शुरू कर। क्यों? क्योंकि चिप्स ही वो बंदा था जिसने ड्यूरिंग वार भी बच्चों की मोटिवेशन को अप हाई रखा है, राइज रखा है, उनकी मोटिवेशन को एक्सेलरेट किए, इनहांस किए रखा, बच्चों को जज्बा दिए रखा, बच्चों को डरने नहीं दिया, बच्चों के दिमागों को मुस्बत बनाया, इसलिए चिप्स के लिए क्लैपिंग की गई। लेकिन जंग खत्म होने के फौरन बाद ही चीफ ने रेजिग्नेशन दे दिया, जो कायम मकाम हेड बनाया गया था चीफ ने उसे इस्तीफा दे दिया। उसने कहा जनाब कि मैं समझता हूँ कि मैं इस ड्यूटी के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बीमार हूँ, उसके अलावा मैं कमजोर भी हूँ, और दूसरा ये कि मैं इन जिम्मेदारियों को मजीद आगे लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए चीफ ने रिजाइन कर दिया। बच्चों चैप्टर शॉर्ट था लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। मेन चीज क्या थी कि जंग का वाक्य बताया गया है कि जंग कैसे हुई, बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट आए, चिप्स ने बच्चों को मोटिवेट कैसे किया, मीनार्ड कौन था, स्टिंग मर्चेंट किसको कहा गया, जंग जब एंड हुई तो क्या सेलिब्रेशंस की गई, सेलिब्रेशन की एंडिंग पर चिप्स को कैसा वेलकम दिया गया, ये सारे इस चैप्टर की थीम थी। अब बेटे हम बात करेंगे इसके मेन टॉपिक्स के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे पहला सवाल बनेगा हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास, चिप्स ने अपनी क्लास कैसे ली। चिप्स बड़ा पुरसकून रहा, चिप्स मुतमइन था और उसने बच्चों को भी पुरसकून रखा। उसके बाद अगला सवाल बनेगा व्हाई डिड चीफ्स नॉट रन टुवर्ड डगआउट, चीफ्स अंदर की तरफ क्यों नहीं भागा, यानी कि जंग के दौरान बचने के लिए जो जगह बनाई हुई थी चीफ्स वहां क्यों नहीं गया। तो बात यह है कि चीफ्स के ख्याल में जो बेसमेंट थी वो बिल्डिंग की सबसे महफूज जगह थी, इसलिए वो बच्चों को लेकर उस साइड पर नहीं गया बल्कि वहीं उसने स्टे रखा और उसने बच्चों को समझाया कि अगर हमें मरना है तो हमें यहाँ भी मौत आ जाए। अगला सवाल है बच्चों मूवी द चीफ्स कॉल स्टिंग मर्चेंट, चीफ ने स्टिंग मर्चेंट बदबू के कारोबार करने वाला किसको कहा, चीफ ने जनाब साइंटिस्ट को कहा जो अपनी लेबोरेटरीज के अंदर डेडली वेपन बनाते हैं, जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल हु गॉट रेडी टू रीड, कौन तैयार हुआ जी ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए, तो हम जानते हैं जी कि मीनार्ड नामी बच्चा जो कि गोल मटोल है बिल्कुल काशान की तरह, और यानी कि मोटा सादा बच्चा है और बड़ा नडर है, बड़ा रूड है और बड़ा जनाबे वाला वो घुमंडी भी है, इसलिए वो तैयार हो गया जी ये पढ़ने के लिए। व्हाट हैपेंड टू द बिल्डिंग,
ड्यूरिंग वार, वार के दौरान बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है जी, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ट्रेम्बलिंग कर रही है, लरज रही है, स्ट्रगलिंग कर रही है, उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट आ रहा है जी। अगला सवाल मिलेगा जी, व्हाट हैपेंड इन 1918 में क्या हुआ जी, 1918 में 11 नवंबर को जंग खत्म हो गई, इंग्लैंड ने वो जंग जीती और सेलिब्रेशंस की गई, खानों की दावतें की गई और जनाबे वाला खानों के मुकाबले किए गए, लोगों ने खुशियां मनाई, सॉन्ग गाए और चिप्स को बड़ा अच्छा वेलकम भी दिया गया, क्योंकि सारा ये सेहरा माना गया कामयाबी का बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से चिप्स के सर पर। और लास्ट सवाल आएगा जी, तो मेरा बच्चे ये था चैप्टर नंबर 15, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, और समझ नहीं भी आएंगे तो आपने इनको समझने की कोशिश करनी है, अगर फिर भी ना आए तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे शेयर कर सकते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बेटा दूसरी और जो मेन चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जो पेपर सबमिट करने की रेशो है ना वो बहुत कम आ रही है, बच्चों ना होने के बराबर आ रहे हैं, तो बच्चे सारे लोग पेपर करें और सारे बच्चे पेपर अपने यहाँ अगर चेक करवाएं, टीचर्स मौजूद हैं 8 to 2 और आपके लिए सारे टीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं। अगले टेस्ट की डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, वो टेस्ट भी अपना डिस्कस कर सकते हैं, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट का फीडबैक दें, फीडबैक बहुत कम आ रहा है। चैप्टर 15 था ये हमारा, इसके साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर 16 के साथ।